अस्सलाम वालेकुम यूपी फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने पिछले व्लॉग देखे होंगे जिसमें मैंने सांतोरिनी का ट्रिप कंप्लीट किया और उसमें मुख्तलिफ जगहों के हवाले से मैंने व्लॉग्स बनाए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देख लें, क्योंकि इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टोटल कास्ट और अगर कोई ट्रेवलिंग करना चाहता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कितना खर्चा हो सकता है उसका सांतोरिनी के ट्रिप पर, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं ये कुछ रफ इस्टीमेशन दूंगा इसमें कि कितना खर्चा आप लोगों का हो सकता है अगर कोई प्लान करे सांतोरिनी का ट्रिप, जो कि बहुत ही लाइक आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट है, पॉपुलर स्पॉट है ग्रीक यूनान में। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ, ये देख लें, ये कॉफ़ी शॉप है स्टार बाग वाला। पोलैंड में वापस आ गया हूँ तो मैंने सोचा कि इस विलाग में आप लोगों को मैं एक रफ इस्टीमेट दूँ कि कितना खर्चा आप लोगों का आ सकता है वहाँ पर। तो गाइस, मेन चीज़ आप नोट कर लें कि वहाँ पर जो संतुरिनी है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। दूसरा है कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एकोमोडेशन जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको एकोमोडेशन मिल जाए तो बाकी आप ट्रेवल प्लान कर सकते हैं, इवन दो रीजनेबल भी प्लान कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले ऐसा करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और अगर किया है तो वीडियो को पूरा देखें और जो पिछले व्लॉग्स उसको भी देखें। और हाँ गाइस, रिसेंटली मेरे 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए, उस हवाले से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये 10,000 जो फॉलोअर है सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हुए। तो आज हम बात करते हैं संतोरिनी ट्रिप के हवाले से, वहाँ पे जो हमारा कॉस्ट, और आप कह सकते हैं कि आपको मैं एक रफ एस्टिमेशन दूंगा अगर कोई प्लान करे संतोरिनी ट्रिप का तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एकोमोडेशन, क्योंकि एकोमोडेशन वहाँ पर अगर आपको रीज़नेबल मिल जाए तो आपका ट्रिप रीज़नेबल बन सकता है, आपके लिए चीप पड़ सकता है, क्योंकि एकोमोडेशन वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो वहाँ के टॉप वो आप कह सकते हैं टाउन से जिस तरह फेरा हो गया या ओया हो गया उसमें एकोमोडेशन ना लें, क्योंकि वो आपको बहुत ही महंगी पड़ सकती है। कोशिश करें कि आप सेंटर में या ले या उससे साइड पे ले, क्योंकि वैसे भी आपको कार तो रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कार के बगैर आप संतोरिनी जो आईलैंड है उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अच्छा, बजट रेट होटल जो है वो आपको तकरीबन 50 यूरो से लेकर 120 यूरो तक आपको एक नाइट बन सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके पाकिस्तानी रुपीस में से अगर बात करूँ तो वो तकरीबन 16,000 से लेकर 38,000 तक आप वो बन सकता है। और पीएलएन में अगर बात करूँ तो 230 पीएलएन जो कि पोलैंड की करेंसी है, और 500 ये आपको बजटेड होटल मिलेगा, क्योंकि ये एक चीप ऑप्शन है। अगर इतने में आपको मिल जाए ये भी आप कहें कि आपको पर नाइट अच्छा पड़ाएँ संतोरिनी में। अगर मिड रेंज की मैं बात करूँ तो वो आप कह सकते हैं कि 130 यूरो से लेकर 250 यूरो तक आपका पर नाइट बन सकता है, और पाकिस्तानी रुपये में आप कह लें कि 42,000 40,000 से लेकर 80,000 की आपकी एक रात पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि और भी लग्जरियस की तरफ जाएं जिसमें लाइक, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो अकोमोडेशन और वहाँ पे मिलेगी अपार्टमेंट मिलेंगी उसमें उनका सेटअप बड़ा बेहतरीन होता है, उसमें पोल होते हैं, उसमें जकूजी कभी होता है, तो ये ऑप्शन उन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेवलर जो होते हैं वो संतोरिनी जाते हैं और वो इस तरह की अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, और एक दूसरा वो चाहते हैं कि व्यू भी वहाँ से उनको प्यारा मिले। तो अगर आप व्यू को ना देखें इस तरह के रीजनेबल ऑप्शन पे जाएं तो आपको बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। और अगर लग्जरी की मैं बात करूँ तो आपको 300 से ऊपर यूरो देने पड़ेंगे एक नाइट के लिए, और अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो आपको 1 लाख से ऊपर एक नाइट आपको पड़ सकता है। तो ये कुछ होटल के हवाले से मैंने डिटेल शेयर कर दी कि आपको किस तरह आपको मिल सकता है। मुझे जो खुद पड़ा था लाइक आप कह सकते हैं कि जो पोलैंड की करेंसी है मैं उसमें बात करूँ, क्योंकि मैंने उसमें पे किया था, 2300 पीएलएन बन जाता है। ये अगर पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप कन्वर्ट भी करें, क्योंकि मेरा जो स्टे था वो तकरीबन 3-4 दिनों का था, तो 2300 पीएलएन मुझे पड़ा था। तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 2 लाख से ऊपर बन जाता है इस पर। और यूँ है कि आप कह सकते हैं मिड रेंज था, मेरा वाला ऑप्शन मिड रेंज था, इतना लग्जरियस भी नहीं था, पर मिड रेंज ऑप्शन मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा था, उसमें जो जकूजी और उसमें जो आप कह सकते हैं कि स्पा और ये स्विमिंग पूल और ये सारी चीज़ें उधर भी थी, तो अब बड़ा एक अच्छा रीजनेबल आपको इस तरह मिल सकता है। और हाँ गाइस, और एक और इसका डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीज़न में जा रहे हैं, क्योंकि मैं गया था सितंबर में, और सितंबर में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो टाइम होता है ज़्यादा लोग जाते हैं। अगर मे भी विंटर में जाए तो आपको इससे कम चीप प्राइस में भी मिल सकती है एकोमोडेशन, और मैं सजेस्ट करूँगा आप विंटर में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं फेरा ओया जो कि उनकी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये है होटल के हवाले से कुछ डिटेल कि आपको किस तरह लाइक होटल पे पड़ सकता है। अभी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि कार रेंटल जो कि वहाँ पे आपको लाजमी लेना पड़ेगा,
वो तकरीबन कोशिश करें कि मुख्तलिफ जगहों पे लाइक आप बात करें और पूछें डायरेक्ट, उसके बाद कंफर्म कर ले, क्योंकि एक दिन का तकरीबन 50 यूरो से लेकर 150 यूरो तक आपको पड़ सकता है, डिपेंड करता है मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियों पे। मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग चीप रखें, मुख्तलिफ जगहों पे पूछ लें, क्योंकि आपको जब आप जाएंगे आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये जो कार रेंटल एजेंसीज है वो उनके शॉप्स में लेंगे, तो उनसे आप कंफर्म करें और कोशिश करें कि इनको चीप रखें, 50 पे रखें या 80 पे रखें और जितना कम हो सके रखें, क्योंकि ये ज़्यादा भी आपसे मांग सकते हैं, 120 भी मांग सकते हैं, 150 यूरो भी मांग सकते हैं, और तो आप इसको ध्यान में रखें। बाकी ग्रासरी का मैं अगर कहूँ कि ग्रासरी तकरीबन आप कह सकते हैं कि जितना मैंने वहाँ पे जो ग्रासरी की वो मुझे महंगी लगी कंपेयर टू पोलैंड में, क्योंकि नॉर्मल एक दिन की आपकी ग्रासरी तकरीबन 10-15 यूरो आप बन जाते हैं, अगर पाकिस्तान में मैं गया तो एक दिन आपका ग्रॉसरी का 3000-4000 इस तरह बन सकते हैं। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन तो वही आप कार रेंटल वो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये कुछ रफ एस्टिमेशन मैंने दिए आपको कि आप लोग के जहन में हो कि कितना खर्चा आपका आ सकता है और उसके मुताबिक आप प्लान बना सकते हैं कि कितना आपका खर्चा होगा और कितना खर्चा हो सकता है। तो क्योंकि मेन चीज़ जो एक्सपेंसिव मैंने पाई है संतोरिनी के ट्रिप में वो थी होटल जो रिजर्वेशन है वो महंगी है, क्योंकि अगर आप थोड़े से दूर रखेंगे आपको कम रेट में मिल सकती है, जो उनकी पॉपुलर टाउन से जैसे ओया हो गया, फेरा हो गया, अगर आप करीब जाएंगे तो आपको महंगी मिल सकती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप भले दूर रखिए थोड़ा सा ओया और संतोरिनी, क्योंकि आपके साथ अपनी कार है आप, क्योंकि रेंट पे लेते हैं 2-3 दिन जितना आप रहते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं और इतना आप इतना मुश्किल नहीं है फिर कवर करना अगर आपके साथ अपनी कार है। और हाँ गाइस, मैं इसके हवाले से थोड़ा ये भी बताऊँ कि कितने दिन काफ़ी होंगे संतोरिनी में, तो मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन मोर देने का फिर संतोरिनी को पूरा देखने के लिए, क्योंकि अगर आप टाउन में एक एक दिन भी गुजारे ना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो उनका बेस्ट टाइम होता है वो इवनिंग टाइम होता है और ज़्यादा लोग जाते हैं आप कह सकते हैं कि सनसेट देखने के लिए, शाम का टाइम बड़ा वाइब भी होता है और बड़े मज़े का होता है। आप टाउन में जो मैंने बताया ओया और फेरा, इसमें आप शाम के टाइम पे घूम सकते हैं, असर के टाइम पे जा सकते हैं और बाकी बीचेस भी आप दोपहर के टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इनका साउथ और ईस्ट पार्ट है वो आप दोपहर इस तरह एक्सप्लोर करें। तो मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन आई थिंक मोर देन इनफ होंगे आप लोगों के लिए। तो अभी शायद आप कुछ शोर सुन रहे होंगे, तो ये तो काफ़ी शौक है थोड़ा सा लाइक इसमें शोर है। तो चलो बस ये व्लॉग था उस ट्रेवल कॉस्ट के हवाले से, तो इंशाल्लाह और भी मजीद व्लॉग्स आने वाली है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी मैं व्लॉग आप लोग के लिए बनाऊँ। इन्फॉर्मेटिव ये कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें ये व्लॉग बना रहा हूँ इस हवाले से, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ट्रेवलिंग के लिए जाए संतोरिनी ताकि उसको आइडिया हो कि कितना खर्चा उसका आ सकता है। तो चलो गाइस, ये था संतोरिनी ट्रिप के हवाले से, उसके कास्ट के हवाले से कि कितना खर्चा आपका आ सकता है रफली। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।